पढ़ाई तुम्हें पर क्या तो बेटा? अरे स्कूल लेवल में 10th में पढ़ाएंगे क्या? स्कूल में 10th में भी ये नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस में ही नहीं है हमारे एनसीईआरटी करिकुलम में, ये सिर्फ ओलंपियाड्स में है। ठीक है, जो आप मेरे खबर फिलोसफी आ में जाओ रहते हैं। बाप तो यस बेटा बताओ। सर यहाँ पर ए बी 5/16 है, इसलिए हम लोग सोच सकते हैं नंबर्स क्या होंगे। अगर सर कोई बड़ा नंबर हुआ तो हम लोग सोचेंगे कैसे फिर? उसको सॉल्व करने के लिए भी मेथड है, ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो धीरे धीरे हमको पता चलेगा। देखिए अभी हमें क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करने की मेथड्स नहीं आती, तो उसके लिए भी एलजेब्रा का ही मेथड है। ठीक है, कोई भी नंबर्स होंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ए प्लस बी 3/2 है और ए बी 5/16 है, तो एलजेब्रा से मैं कैसे आंसर लाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट इज। ठीक है, ठीक है, तो समझ आता है, ठीक है, फॉलो अगर कर सकते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं। तो देखो अब मैं यहाँ पे ए प्लस बी मेरे पास कितना था, एक बार बताना दीप, ए प्लस बी कितना था हमारे पास? ए प्लस बी वॉज 3/2, यस सर, 3/2, और ए बी कितना था? 5/16, 5/16, सही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी को मैं बोल सकता हूँ 5/16 ए, उसको मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ, तो ए प्लस 5/16 ए इक्वल्स टू 3/2, यस यस सर। एलसीएम ले लूंगा तो क्या रहेगा, 16 ए स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इनटू 16 ए बाय 2, यस यस सर। 2 वन जा 8 जा, तो मैं बोल सकता हूँ 16 ए स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 24 ए, यस, तो 16 ए स्क्वायर माइनस ऑफ 24 ए प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यस यस। अब क्या मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता हूँ? लेट्स डू इट। सम मेरे पास कितना है? -24 है, प्रोडक्ट कितना है? 16 और 5 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 4 × 5, सो 5 4 20 एंड 4 16 ए स्क्वायर -20 ए माइनस ऑफ 4 ए प्लस 5 इक्वल टू 0, यस यस सर। 4 ए कॉमन ले लूंगा तो 4 ए माइनस 5 आ जाएगा माइनस ऑफ 1, 4 ए माइनस 5 इक्वल टू 0, तो या तो 4 ए माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा और 4 ए माइनस 5 एक फैक्टर हो जाएगा, तो या तो ए का वैल्यू 1/4 आ जाएगा या ए का वैल्यू 5/4 आ जाएगा, यस यस सर, समझ आ गया? तो ए का वैल्यू 1/4 आ जाएगा या 5/4 आ जाएगा, अगर एक 1/4 होगा तो दूसरा 5/4 हो जाएगा और दूसरा 5/4 होगा तो 1/4, तो ए और बी क्या आ गए 1/4। अब लेके देख लो ना, यहाँ पे आप पुट कर लो, तो बी कितना आ जाएगा 5/16 × 1/4, 4 4 कट गया तो 5/4 आ गया। So if A is 1/4, B is 5/4, फिर आप A को 5/4 ले लोगे, B 1/4 आ जाएगा। Is it clear? तो algebra से हमने solve कर दिया, numbers ढूंढने ही नहीं पड़े आपको। Yes sir। ठीक है, वैसे आप algebra से solve करके A और B निकाल सकते हैं। Clear है? So, yes sir। Sir, आ रहे, yes आ रहे। Sir, 4A minus 1 और 4A minus 5 था, तो उसके बाद बताओ ना। बेटा दो फैक्टर्स आ गए ना क्वाड्रेटिक के, दो फैक्टर्स है, 4a-1 × 4a-5 इक्वल टू 0। अब कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 कब होगा, या तो 4a-1 0 हो जाए या तो 4a-5 0 हो जाए, है ना, कोई भी 0 हो जाए दोनों में से, ठीक है, चलेगा ना, कोई भी 0 हो जाए दोनों में से चलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर, ये सब कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। चले आगे, शुड वी मूव ऑन नाउ, लेट्स सी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 गोज ऑन टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रही है ये वैल्यू। ठीक है, आज की क्लास जब हम अब कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैंने आपको होमवर्क क्या क्या दिया हुआ है मुझे आप बता दीजिए, और क्या क्या मैंने होमवर्क में आपको नहीं दिया अभी तक, बाकी है हमारा, करते रहो और मुझे बताते रहना क्या क्या मैंने होमवर्क दे दिया। नाइन्थ,
हमारे सारे डीपीपीस का डिस्कशन हो चुका है, सिर्फ डीपीपी 5 आई गेस बाकी है ना। यस सर, यस सर, डीपीपी 5, यस सर, डीपीपी 5, लेकिन अब आप कर सकेंगे, ठीक है? आप एक बार खुद से कोशिश करें सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? नहीं तो हम डिस्कस करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन व्हिच यू कांट डू नाउ, ठीक है? डीपीपी 5 आपका होमवर्क रहेगा बिफोर द नेक्स्ट क्लास। सर आंसर 4 है, क्या बात कर रहे हो प्रतीक, देख लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। सर आपने पिछली बार बताया था, पिछले साल। चलो सही है, बहुत अच्छे, ठीक है? तो इसको नोट डाउन, अभी होमवर्क एक बार आप लोग सब नोट डाउन कर ले, मुझे बताते जाएं। डीपीपी 5 अब मैं दे रहा हूं, ड्रिल हमारी हो चुकी है ना? यस सर, एमसीक्यू 1 भी हो गया है, एमसीक्यू 2 भी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लिया है ना, एमसीक्यू 3 का डिस्कशन बाकी है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सारे कंप्लीट करके रखना और प्रिपेयर्ड रहना, नेक्स्ट 10 डेज में आपका एग्जाम होगा, ठीक है? ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है? तो डीपीपी 5, देन एमसीक्यू 3 होमवर्क आपका लिख लो, देन एमसीक्यू 4। सर चैप्टर 8 लगा, फर्स्ट चैप्टर आपने पहले दे दिया था होमवर्क। हां ये डिस्कशन हम करने वाले, होमवर्क में दे चुका हूं, जिसका बाकी है इनकंप्लीट। सर सर टेस्ट का सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर पूरा, असाइनमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस सर, है ना? असाइनमेंट्स का डिस्कशन हमारा हो चुका है, असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 6 तक असाइनमेंट्स का सारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है? और क्या क्या करेंगे आप? हॉट्स आपने कर लिए क्या? नहीं सर। तो डीपीपी 5, एमसीक्यू 3, एमसीक्यू 4 और देन यू आर सपोज टू डू हॉट्स, ठीक है? इतना हम डिस्कशन करेंगे, ओलंपियाड बाकी होगा ना, ओलंपियाड का तो बाकी हो जाएगा, ओलंपियाड हम बाद में। यस सर, ठीक है? इतना चार चीज आप कंप्लीट करेंगे, डीपीपी 5, MCQ 3, MCQ 4 and HOTS. This is your homework. We will be discussing this before next class. ये next class से पहले आप खत्म करें, we will be discussing it in the next class. ठीक है? Yes, बेटा. Sir, yes, sir, पूरा syllabus कब आएगा? Exam का? वो exam का date जब final होगा उसके साथ ही syllabus आपको आएगा. Okay, sir. ठीक है? और इसके बाद आपका जो homework आने वाला है वो Olympia drill 1 or 2 आएगा. ठीक है? पहले आप इसको कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट होमवर्क नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम, डीपीपी 5, एमसीक्यू 3, 4 एंड हॉट्स। ओके, नाउ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ। देखो होता क्या है, अगर मान लो ये रूट 12 नहीं दिया होता तो क्या क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ता क्या? रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12 प्लस रूट ऑफ 12, ये स्टोरी चलती है, एक और रूट 12 आ जाता है, एक और रूट 12 आ जाता है, तो ये इंफिनिटी तक चल रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं पूरे समुद्र में से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल ले तो क्या उसको फर्क लगेगा क्या? विल दैट ओशन फील द डिफरेंस? नो, ठीक है ना? तो सिमिलरली हमने इनफिनिट रूट 12 लिखे थे, अगर फर्स्ट रूट 12 हमने हटा दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी विल डू इज, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो निकालनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है? अब हमने क्या बोला, अगर पूरे में से इसको हम निकाल भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अब देखो ये भी वही चीज लिखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, यही लिखा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं एक्स मान सकता हूँ, ठीक है ना? तो जो अंदर की रिपीटिंग चीज है वापस से लिखी है, क्या मैं इसको भी एक्स मान सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 12 प्लस एक्स is equal to x, समझ आ रहा है सबको? Yes, जब मैंने दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, what did I do? I did squaring on both sides, so क्या मिला? x square is equals to 12 plus x, यहाँ से मिलेगा x square minus x minus 12 equal to 0, factors हो जाएगा x minus 4, x plus 3 equal to 0, तो x का value minus 3 या 4 आ जाएगा। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, square root का भी negative answer दे सकता है? No, माइनस 3 नहीं होगा, x का वैल्यू क्या जाएगा? 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स को रिमाइंड कर रहा हूँ, जिसका जो भी क्लास मिस अगर हो जाता है तो आप डाउट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो फॉर्म मैंने फिल करने के लिए दिया है, टॉपिक स्पेशली मेंशन कर दें आप, अगर टॉपिक छूट गया है, अगर किसी में डाउट है तो वो डाउट आप मेंशन कर देंगे, सर इस चैप्टर में मेरे को समझ नहीं आया, मुझे समझना है, आपको बैकअप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एंड दिस बैकअप विल बी प्रोवाइडेड बाय टुमारो, टुमारो ओनली विल कीप अ क्लास एंड प्रोवाइड यू द बैकअप। इज इट क्लियर?
चलिए आगे चले, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। सर सर यस बेटा सर, अगर वहां √12 - √12 अगर माइनस होता तो आंसर 3 आता ना। कभी भी स्क्वायर रूट का आंसर बेटा नेगेटिव नहीं आ सकता। सर अगर -12 यहाँ जो प्लस है ना, अगर उसकी जगह माइनस दिया होता तो 3 आता। ऐसे बोलना चाह रहे हो तुम? ऐसे बोलना चाह रहे हो? यस सर। मान लेते हैं x लिखा है, तो ये जो अंदर का फोटो है अगर मैं इसको सोचूं तो ये वापस x ही लिखा हुआ है, तो √12 - x क्या हो जाएगा मेरा, x के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 12 - x के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस ऑफ 12 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या होगा बताओ, अगर मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूँ तो सम मेरे पास -1 आना चाहिए, मेरे पास -12 आना चाहिए, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 4 और 3 हो जाएगा 12 - x एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स होगा, तो बिल्कुल 4 और -3 नंबर्स हो जाएंगे, तो फैक्टर आपके पास हो जाएंगे x + 4 × x - 3 विच विल गिव यू 3 और 4। यस प्रतीक, 3 और -4 तो आंसर आपका 3 आ जाता है। यस बिल्कुल 3 आ रहा है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके होमवर्क के लिए लिख सकते हैं आप इसको, राइट डाउन दिस एज अ होमवर्क, आपको इसमें से x ढूंढना है, उसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। लिख लिया आपने, इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, 4√124 + 32√15। ठीक है, सर कैन यू शो द प्रीवियस क्वेश्चन? यस बेटा, दिस इज द क्वेश्चन, यस, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लिख लेंगे आप, 4√124 + 32√15। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक सेकंड, ठीक है इसका ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, उसको भी सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है, आपके पास उसका क्वेश्चन का आप आंसर लिख देंगे। देखो फर्स्ट वाले का जो आंसर था, आंसर शुड कम एज 4, ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया, इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट का 8 + 2√15, 4√5 + √3, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन लिख लो आप, 49 + 2√600 की पावर 1/4 प्लस 49 - 2√600 की पावर 1/4, ठीक है, इसका आंसर आपका 2√3 आना चाहिए, ठीक है। ये सारे आंसर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर सकेंगे कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैं पिछला वाला क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाया था, एक बार बता दो ना। लिखो बेटा लिखो, लिखो। सर रिटर्न नेक्स्ट ये देख लो एक बार, लिखिए इसको, ठीक है। तो जो ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ओलंपियाड लेवल, ठीक है, क्वेश्चंस।
दिस इज नॉट एट ऑल देयर इन योर एनसीईआरटी और योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने असाइनमेंट किया तो आपको पता है एनसीईआरटी में क्या है, ठीक है, तो वही आपका स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रिपरेशन है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन. यस नेक्स्ट. Should we go for the next question? No, sir. लिखो इसको, लिख लो. Yes, sir. चलो ठीक है. Next question देखो आपकी स्क्रीन के सामने है. ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. Yes. इसको भी सिंप्लीफाई करना है आपको. ठीक है, तो सेशन में एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम. ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम. ठीक है, जो हमने इससे पहले लिखा था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, ओके देन, थैंक यू. वी एंड द सेशन ओवर हियर. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. अगर किसी का कोई भी सेशन अगर मिस हो गया तो प्लीज मेंशन इन दैट फॉर्म. ओके ओके.